हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बायोसम के क्विक क्लास में। इस इंट्रैक्शन में एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज़ को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि दूसरी स्पीशीज़ जो होती है वो अनअफेक्टेड रहती। यदि हम माने कि ए स्पीशीज़ जो है वो बी स्पीशीज़ से बेनिफिट गेन कर रही है, पर बी स्पीशीज़ पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझें कि यदि कोई हाथी किसी एरिया से गुजरता है, जो कि हमारा की स्टोन स्पीशीज़ का भी एग्ज़ाम्पल था, तो उस ग्रास को दबा देता है, पर उससे यानी उस ग्रास के नहीं ग्रो होने से हाथी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही कोई हार्म हो रहा है। वैसे ही अदर एग्जाम्पल से समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो शार्क होती है वो अपना फूड खाकर उसके कुछ पार्टिकल, जैसे उसके फ्लैश हुए या मीट या कुछ बोन का टुकड़ा उसके दांतों में फंस जाता है। तो रेमोरा फिश जो होती है वो उसके दांतों से, यानी शार्क के दांतों से, वो खाना निकाल कर अपना खाना खाती है। तो इस तरह से उन्हें तो फ़ायदा मिलता है, बट इस पूरी प्रोसेस से ना तो शार्क को कोई हार्म होता है, ना ही शार्क को कोई बेनिफिट मिलता है। ये हुआ कमेंसलिज्म।